Hey guys, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, अभी देख रहे हो, अभी थोड़ा बाहर आया था भैया को छोड़ने, मतलब पटना जा रहे हैं, तो उनको छोड़ने आया था बाइक से. और ये देख रहे हो, ये ब्रिज है, ये गांव के आउटसाइड है. सो अब घर पहुँचते हैं और वहाँ पे बात करते हैं. ऑल राइट गाइज, सो राइट नाउ द टाइम इज अराउंड 11:15. भोजन वोजन हमने कर लिया है और उसके बाद सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा खेत में थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे जिस तरह की आप लोग देख रहे हो. ये सब जो है इधर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और अकेले नहीं है, हमारे साथ हैं पीयूष, जिनका कल भारी बेइज्जती होके इन्होंने अपना क्या कहेंगे टैलेंट दिखाया, हमने पजल का टैलेंट दिखाया. सो ये काफ़ी आसान नहीं होता गाइस, जैसे मैं बता दूँ आपको. तो या गाइस, चलिए थोड़ा सा खेत में देखते हैं कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई जाए. का ये खेत है तो इसमें लहसुन है कि अरे यार प्याज है ना, लहसुन है, लहसुन है. और ये है आपका आलू, तो ये आलू की खेती हुई है यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक देख रहे हैं आप लोग, इतना में आलू की खेती हुई है. और यहाँ से हमारा घर दिख रहा है क्या, इधर से दिख रहा है और उधर से भी कुछ लोग हमें ब्लॉगिंग करते हुए देख रहे हैं. पीयूष ने बताया कि हम लोग को उधर कहीं चलने के लिए, इधर जो जंगल दिख रहा है आप लोग को, तो उधर थोड़ा चलेंगे देखेंगे क्या है उधर. गाइस, तो यहाँ हमें पीयूष कोई जंगल में ले जा रहा है और ये जो रास्ता है काफ़ी ख़तरनाक है, आप लोग देख रहे हो. और जाने का हम लोग प्रयास करते हुए ये गाइस ये यहाँ पे आ गए हम लोग. अच्छा ये देखो, बांस का पेड़ गाइस देख लो, काफ़ी घना है यहाँ पे और इस तरह से काफ़ी फैला हुआ है. पढ़ते हैं और कहीं जाना है, ये अलग ही, ये सब मतलब जंगल वगैरह, सब जंगल नहीं है मतलब पेड़ वगैरह है, तो इधर कोई आएगा भी तो नहीं, काफ़ी घना है ना इधर. इधर आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, इधर से आते हम लोग और इधर से देख लो आप लोग ये रिवर मेन. ओहो हो, ए मत जाओ, गिर जाओगे, अरे गिर जाओगे, अरे 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 देखो गाइस ये यहाँ पर रहता है इसलिए कर सकता है. ठीक है, मैं आ चुका हूँ, काफ़ी डर लग रहा है और यहाँ से बता दूँ काफ़ी स्टीप है और क्योंकि यहाँ पे आप लोग पता है, अभी मैंने दिखाया कि अभी नदी है और यहाँ पे थोड़ा डर भी लग रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जाऊँ कैसे, आपको एक बार दिखा दूँ, दिखा देता हूँ. और ये देखो काफ़ी स्टीप है यहाँ पे, काफ़ी स्टीप है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं इधर देख रहे हो. और अब मैं जाऊं कैसे, रुको रुको पहले ऑटो ऑटो हो जाएगा. सो गाइस यहां पे घूमते घूमते मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग मैन वर्सेस वाइल्ड की यहां पे अच्छी खासी शूटिंग हो सकती है. मतलब क्या कहूँ, मतलब आपको खुद देखो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं, मतलब ये ज़्यादा एरिया बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी देखने में कैसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी कह सकते हैं स्पूकी है. और एक बार देख लो आप लोग भी, तो यहाँ अंदर तक भी है लेकिन हम लोग अब बाहर जा रहे हैं. सो गाइस ये देख रहे हो आप लोग, ये शरीफा का पेड़ है, शरीफा आप लोग को मालूम होगा, और वो वाला बेल का है, ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला बेल का है, और ये वाला कटहल का है, और मतलब बहुत सारे इधर मतलब हैं. तो ये वाला जो ब्रिज है, पीयूष बोल रहा है कि मैं मतलब जुगाड़ ब्रिज है और इसको मैं हम लोग पार करेंगे यहाँ पे अच्छे से हम लोग जाते हुए. और ओ भाई साहब, आई एम कमिंग. वहाँ पे आप लोग देख रहे हो लोग मछली मारने का मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो जाते देखते हैं. और पीयूष बोला था कि एक जगह और जाएंगे, यहाँ पे क्या है बताओ, जोगीर बाबा का पेड़ है, पेड़ है मतलब पुराना पेड़ है, मतलब वहाँ पे पूजा वगैरह होता है, थोड़ा सा वहाँ पे भी जाके देख लेंगे.
सो गाइस यहाँ से आए थे हम लोग, इस तरफ से आए थे और शमशान। अच्छा, और ये क्या धोबी घाट है इधर, चलो तो वहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये पेड़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग कैसा लगा बताना गाइस। मतलब कुछ है इसमें डिफरेंट लग रहा है, क्या है ये? अरे इसी पे तो कपड़ा, लकड़ी है मेरे, लकड़ी है, लकड़ी है, यहाँ पे कपड़ा था, वहाँ पे ये अंकल धो रहे थे। कहाँ जा रहे हो पानी में? ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं साहिल की तलाश में। साहिल वो आप लोगों को पता होगा जिसके बहुत सारे कांटे होते हैं, उसका इंग्लिश में मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है, होगा तो मैं डाल दूंगा, लेकिन देखते हैं। यूस बोल रहा है कि इधर रहते हैं तो अगर मिल जाए तो अच्छा है। हालांकि इधर भी और भी डिफरेंट टाइप्स के हमने पक्षी दिखे हैं, तो या ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे यूस बोल रहा है कि उस वाले एरिया में उधर रहते हैं कहीं पे, और साहिल के लिए तो हमें तो कोई दिखा नहीं। खैर कोई भी बात, मतलब इधर देख रहे हो, इधर पूरा दूर दूर तक खेती खेती है, और वो वाला एरिया में अराउंड रहते तो मिला नहीं, तो हम लोग अब घर चले। नहीं थोड़ा सा देख लो क्या। हाँ चलोगे, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे यार वो लोग छुपा होगा, दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। और आई होप गाइस कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा ऐसे व्लॉग्स देखने में। ऑल राइट गाइस, तो काफ़ी मतलब हम लोग घूमते घूमते काफ़ी दूर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये मेन रोड पे आ चुके हैं, और इसके बाद सोच रहा हूँ कि ब्लॉग यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो क्या करना है पीयूष? लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही मिलते रहेंगे डेली ब्लॉग से। अगले ब्लॉग में ये कोशिश करूँगा कि हम लोग, ये बोल रहा है कि फैक्ट्री है जो मैंने भी देखा था, वो यहाँ दिखाए जाएंगे और वहाँ पर जाके ब्लॉग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखता हूँ गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बांस का पेड़ गाइस देख लो, काफ़ी घना है यहाँ पे, और इस तरह से काफ़ी फैला हुआ है, और इधर मैं दिखाऊंगा नहीं।